हेलो स्टूडेंट, आई एम डीसी जैन। जैसा कि 30 साल का अनुभव के आधार पे मैं आपके लिए बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को करिए ताकि आपको 90% से अबव नंबर आपके पास आ सके। हैं, इसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं वो देखिए और इनको लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ज्यादा ज्यादा करिए ताकि आप उनका बेनिफिट ले सके। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है और इनको सोल्व करिए। सोल्व करने के बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट्स बॉक्स के अंदर इसको डालिए। हैं, तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है। पहले मैं आपके लिए ले रहा हूँ नंबर एक मार्क्स। एक मार्क्स के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहले वन मार्क्स के क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एफ आर से आर इज डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, फाइंड एफ एफ एक्स। इफ एफ आर से आर एफ एक्स बराबर टू एक्स प्लस वन एंड जी एक्स बराबर एक्स क्यूब, देन फाइंड क्या जी ओ एफ का इनवर्स और 27। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी, फाइंड टू स्टार थ्री स्टार फोर। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ टेन इनवर्स वन प्लस कोस इनवर्स वन अपॉन रूट टू इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, फाइंड एक्स, फाइंड वैल्यू साइन पाई बाई थ्री माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ। इफ टेन इनवर्स थ्री एक्स प्लस टेन इनवर्स टू एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर, फाइंड वैल्यू एक्स। इफ फोर साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई ही, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर आठ, इफ एक्स प्लस वाई टू फाइव प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू सिक्स टू फाइव एट, फाइंड एक्स एंड वाई। नाइन्थ क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू वन टू माइनस थ्री फोर बी इज इक्वल टू फाइव माइनस वन, फाइंड ए बी। टेंथ क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू माइनस टू माइनस वन वन माइनस वन सेवन फोर सेवन फोर और वन माइनस एक्स माइनस थ्री इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन फाइंड एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेवंथ है, व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 48 एलिमेंट्स, जिसमें 48 एलिमेंट्स है उसके पॉसिबल ऑर्डर आपको लिखने हैं। इफ के थ्री माइनस वन के इज इक्वल टू सेवन, देन फाइंड वैल्यू ऑफ के, फाइंड वैल्यू है कोस 80 माइनस कोस 10 साइन 80 साइन 10। क्वेश्चन नंबर 14, फोर विच वैल्यू ऑफ एक्स इफ मैट्रिक्स वन वन एक्स माइनस टू 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 थ्री वन थ्री इज ए सिंगुलर, है तो क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 15, इफ पॉइंट टू माइनस थ्री लेमडा माइनस टू जीरो फाइव आर कोलिनियर, देन फाइंड लेमडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ए इज इक्वल टू थ्री टू फाइव फोर, फाइंड ए इनवर्स, इविलेट, इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इंटीग्रेशन करना है, वन प्लस कोस टू एक्स अपॉन वन माइनस कोस टू एक्स, इविलेट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 19, इविलेट कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स। 20, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। और 21, ई की पावर फोर लॉग बेस ई एक्स और एक्स की पावर फाइव डी एक्स, इनको सोल्व आपको करना है। देखिए क्वेश्चन मार्क्स नंबर वन, मार्क्स एक के क्वेश्चन है 22, साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। 23, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 24, साइन की पावर एन एक्स अपॉन कोस की पावर एन प्लस टू एक्स डी एक्स। 25, डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव। 26, रिप्रेजेंट ग्राफिकली, ग्राफ से आपको शो करना है, वन मार्क्स का ओनली है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 किलोमीटर है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट से नॉर्थ की ओर आपको ओनली ग्राफ के रूप में शो करना है। 27, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू ये आई माइनस टू जे प्लस थ्री के देट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट, मतलब इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करके उसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आता है। 28, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, इसका प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है इसके ऊपर, प्रोजेक्शन मीन्स प्रक्षेप अर्थात प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। 29, फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्रॉस है तो आपको पता है क्रॉस का मतलब वेक्टर प्रोडक्ट है तो उसमें क्रॉस किया जाएगा। 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी का मोड, इफ मोड ए वेक्टर बराबर 10 मोड बी वेक्टर बराबर 2 एंड ए डॉट बी बराबर 12 तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। 31, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस k, बी वेक्टर बराबर i प्लस 2j माइनस 3k, सी वेक्टर बराबर 3i प्लस लैम्डा j प्लस 5k।
है ना, आर कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब है एबीसी बराबर जीरो, ये करके आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड वैल्यू आई जे के प्लस जे के आई प्लस के आई जे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 33 फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों को जोड़ने वाली लाइन का डायरेक्शन कोसाइन आपको लिखना है। तो डायरेक्शन कोसाइन के साथ साथ डायरेक्शन रेशियो भी आपके पास आ जाएंगे, है ना। नंबर 34 फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों से पासिंग थ्रू लाइन का वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखना है। जैसा कि आप जानते हैं वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। 35 राइट डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 2z माइनस 2। 36 लाइन x माइनस 5 अपॉन 3 y प्लस 4 अपॉन 7 z माइनस 6 अपॉन 2 राइट इन वेक्टर फॉर्म, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, जो कि कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। 37 इफ प्लेन, ये दे रखा है, अब इस प्लेन को चेंज करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में और इसको चेंज करना है नॉर्मल फॉर्म में, है। 38 फाइंड एंगल बिटवीन द प्लेन आर डॉट ये और आर डॉट ये, दो प्लेन दे रखे हैं इनके मिड में आपको एंगल फाइंड आउट करना है। 39 इफ डायरेक्शन रेशियो 2, 3, 4 राइट डायरेक्शन कोसाइन, इनके डायरेक्शन रेशियो गिवन है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है। 40 इफ पीए, पीए का मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पीए बराबर 6/11 पीवी बराबर 5/11 एंड पीए एन बी बराबर 7/11 फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ पीए अपॉन बी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये जो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ एक नंबर में तो आएंगे आएंगे, साथ साथ इसको बनाने वाले पे डिपेंड करता है, कभी दो नंबर में, ये बात का लक है, बट इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं इनकी आप प्रैक्टिस करिए, अगर इसका ईच क्वेश्चन आपको क्लियर है तो आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे का, वन मार्क्स जो क्वेश्चन चल रहा था 47 तक तो अपने कर लिया था। 41 इफ पीए, पीए का मतलब प्रोबेबिलिटी पीए इज इक्वल टू 0.8 पीबी बराबर 0.5 एंड पीबी अपॉन ए बराबर 0.4 फाइंड पीए इंटरसेक्शन बी, और सेकंड क्वेश्चन है पीए अपॉन बी, दो इसमें बात आपसे पूछ गई है। क्वेश्चन नंबर 42 है इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पीए इज इक्वल टू 0.3 प्रोबेबिलिटी ऑफ पीबी बराबर 0.4 देन फाइंड पी ए बार, बार बोलते हैं इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार एंड पी ए यूनियन बी। 43 यह है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इफ एक्स, एक्स क्या है रेंडम वेरिएबल, एक्स इजिकल टू 1, 2, 3, 4 एंड पी एक्स इजिकल टू 2k, 4k, 3k और k, फाइंड वैल्यू एक्स। 44 मैक्सिमम जेड इजिकल टू 2x प्लस y, सब्जेक्ट 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ पासिंग थ्रू पॉइंट ए गिवन है -1, -2, 0 एंड डायरेक्शन रेशियो 2, 4, -3, ये इक्वेशन फाइंड आउट करना है। 46 है e की पावर x 10x प्लस 1 ब्रैकेट के बाद sec x into dx। 47 है इफ a इज इक्वल टू 1, 2, 4, 2 फाइंड k इफ ये डिटरमिनेंट्स 2 इज इक्वल टू k डिटरमिनेंट से e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x dx, ये मोस्टली वन मार्क्स के अंदर आपके पास आते हैं। अब पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है, वो 2 मार्क्स में भी दे दे, 3 में भी दे दे और आपका लक बहुत अच्छा है 6 में भी दे दे, ये बनाने वाले के ऊपर मूड होता है कि किस टाइप से, मैक्सिमम मेरे हिसाब से जो है ये 1 मार्क्स में आपके पास आने चाहिए और आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं अपन वो 2 नंबर से लेके 6 नंबर तक है। मैंने देखा है 30 साल के अनुभव के अंदर, 30 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर मैंने देखा है कि बोर्ड का जो पेपर सेट करता है 2 मार्क्स का 6 मार्क्स में दे दिया, 4 में दे दिया, 1 मार्क्स का 4 में दे दिया, तो ये बनाने वाले पर डिपेंड करता है कि वो किस लेवल से क्वेश्चन को ले रहा है। अब जो अपन क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स से लेके 6 मार्क्स तक है, ये बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि किस टाइप से वो क्वेश्चन आपको बना के देता है, वो 2 मार्क्स का भी है, 3 मार्क्स का भी है, 4 मार्क्स का भी है, बट आपको इस मार्क्स का ध्यान रखते हुए, जैसे 2 मार्क्स का है तो आपको जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन इतने टाइम में लिखना है, 1 मार्क्स का इतना लिखना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए 2 मार्क्स से 6 मार्क्स तक का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इफ एफ जी एच बी थ्री फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर
जी एक्स बराबर कोस एक्स, एच एक्स बराबर टू एक्स प्लस थ्री, देन फाइंड एच ओ जी ओ एफ रूट टू पाई। क्वेश्चन नंबर टू, इफ एफ आर से आर में है सच देट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू माइनस थ्री, देन प्रूव देट एफ इनवर्स इज एग्जिस्ट एंड फाइंड इट्स फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करो, दस फाइंड एफ इनवर्स 24 एंड एफ इनवर्स 5। थर्ड क्वेश्चन है, इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर माइनस माइनस वन, है ना, ये दे रखा है। अब प्रूव करना है कि स्टार इज कॉम्पिटिटिव एंड एसोसिएटिव। नंबर टू, फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ स्टार इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट्स, फाइंड इनवर्टिबल एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, प्रूव दैट टेन पाई बाई फोर प्लस वन अपॉन टू कोस इनवर्स ए अपॉन बी प्लस टेन पाई बाई फोर माइनस वन अपॉन टू कोस इनवर्स ए अपॉन बी इज इक्वल टू टू बी अपॉन ए। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स, एक्स के लिए आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रूव दैट वन अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स वन प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर वन अपॉन टू। प्रूव दैट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स कोस ए टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन कोट इनवर्स एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर 3 × 4 हूज एलिमेंट आर ए आई जे इज इक्वल टू ए, इसको लेकर आपको मैट्रिक्स बनानी है। नाइन्थ है, इफ एक्स 4 1 एंड मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स बराबर 0 हो, वेहर कोई 0 मैट्रिक्स, देन फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करिए। टेंथ है, इफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2 i2, i2 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फाइंड के, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें। इलेवंथ है, एक्स थ्री मैट्रिक्स ए इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एच टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेहर ए इज इक्वल टू 3 4 5 7। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ है, इफ ए 1 0 2 -1 -3 4 मैट्रिक्स ए, यहाँ पर क्या है, मैट्रिक्स ए है और ये इज इक्वल टू है, देन फाइंड मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए फाइंड आउट करिए। थर्टीन है, ए इज इक्वल टू ए, देन प्रूव दैट ए की पावर है इज इक्वल टू ए फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन। फोर्टीन है, फाइंड मैट्रिक्स ए एंड बी, ये दो मैट्रिक्स दो इक्वेशन गिवन है, दोनों से मैट्रिक्स ए और बी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रूव दैट, इसको लेकर अपने को प्रूव करना है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, प्रूव दैट इसके डिटरमिनेंट्स की इक्वल टू, ये अपने को प्रूव करना है। 17, प्रूव दैट एक्स बराबर 2 इज ए रूट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, आल्सो फाइंड द रिमेनिंग रूट्स ऑफ इट्स, इसको सोल्व करो और एक्स की वैल्यू 2 है और फाइंड अदर रूट्स। 18, इफ ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए, देन प्रूव दैट ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इफ ए इज इक्वल टू ए, प्रूव दैट ए का ट्रांसपोज ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। 20 है, इफ ए इज इक्वल टू ए, सो दैट ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 7 आई इज इक्वल टू 0, हेंस फाइंड ए इनवर्स, सोल्व बाय क्रेमर रूल्स, क्रेमर रूल्स इसको सोल्व करना है। 22 है, फाइंड डीवाई अपॉन डी एक्स इफ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बराबर 0, देन प्रूव दैट, ये अपने को प्रूव करना है, है ना, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। 24 है, dx अपॉन 1 प्लस 10x, इसका इंटीग्रेशन करिए, sec dx अपॉन रूट के अंदर sec 2x प्लस अल्फा प्लस sin अल्फा, है sin 2x प्लस अल्फा प्लस sin अल्फा, इसका इंटीग्रेशन करना है। 26, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। 3 sin x माइनस 2 cos x dx अपॉन 5 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 4 sin x, इंटीग्रेशन करना है इसका। नंबर 28, x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। 29, अंडर टेन एक्स प्लस अंडर कोट एक्स का इंटीग्रेशन करना है। 30 है, द वैल्यू ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग वेन द लेंथ ऑफ 1 एजे इज 10 सेंटीमीटर, 1 एजे एक सेंटर वो 10 सेंटीमीटर है तो सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा, ये आपसे पूछा गया है। फाइंड एन इंटरवेल इन विच फंक्शन, इसका इंटरवेल फाइंड आउट करना है, क्या एफ एक्स नंबर 1 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए एंड डिक्रीजिंग, इसके लिए आपको इंटरवेल फाइंड आउट करना है, किसके लिए, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के लिए इंटरवेल फाइंड आउट करना है। नंबर 32, फाइंड अप्रोक्सिमेट वैल्यू रूट 26, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स,
इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। फाइंड वैल्यू जीरो से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो 35 प्रूव दैट जीरो से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन टू ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 5x प्लस 10y सब्जेक्ट टू एक्स प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, एक्स माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 37 फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, ये टू लाइन दे रखी है इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस याद करनी है उसकी इक्वेशन भी फाइंड आउट करना है। 38 शो दैट द लाइन आर इंटरसेक्ट, पहले ये प्रूफ करो कि इंटरसेक्ट है एंड फाइंड देयर पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट, जहां ये इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट को भी फाइंड आउट करिए। 39 है फॉर एनी वेक्टर ए वेक्टर देन प्रूव दैट ए क्रॉस आई का होल स्क्वायर ए वेक्टर क्रॉस जे का होल स्क्वायर ए क्रॉस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए वेक्टर का होल स्क्वायर। 40 सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x tan इनवर्स y माइनस एक्स क्यूब ब्रैकेट के बाहर 1 प्लस y स्क्वायर, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस e की पावर x अपॉन y dx प्लस e की पावर x अपॉन y 1 माइनस x अपॉन y dy बराबर 0, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x माइनस y प्लस 3 अपॉन 2x माइनस y प्लस 5। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है बिटवीन कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 एंड एक्स बराबर वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 44 इफ ए इज इक्वल टू ए फाइंड ए इनवर्स एंड यूजिंग, इसका यूज करना है और इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसका ए इनवर्स फाइंड आउट करके उसका यूज करते हुए इसको सोल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 45 फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इफ y इज इक्वल टू x की पावर साइन x प्लस साइन x की पावर cos x। 46 इफ ए कॉइन टॉस, एक कॉइन को 5 टाइम थ्रो किया जाता है टॉस किया जाता है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो कि वो कम से कम एटलीस्ट 3 एड वो फाइंड आउट करता हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। 47 तीन कॉइन आपको दे रखे हैं जिसमें 2 हेड कॉइन है और उसके साथ साथ उसमें एक तरफ क्या नाम है 75% हेड है और तीसरा कॉइन है जो सिंपल कॉइन है जिसमें हेड और टेल है, इसको लेकर टॉस किया गया और फिर इसके बाद एक कॉइन जो आता है उस कॉइन में दोनों तरफ हेड आता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 फाइंड द वैल्यू ऑफ के एफ एक्स इज इक्वल टू के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x और ये फंक्शन दे रखा है इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर पाई बाई 2 फाइंड के, बताओ इस के की वैल्यू क्या होगी। 49 फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एन इफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 एक्स ग्रेटर देन 1 इज इन डिफरेंशियबल एट एवरी पॉइंट, है ना एवरी पॉइंट पे ये डिफरेंशियबल है तो फाइंड एम और एन। क्वेश्चन नंबर 50 है गिवन देयर द टू नंबर अपीयरिंग, दिया गया दो नंबर है दे रखे आप ऑन थ्रोविंग टू डाइज आर डिफरेंट, दोनों पे डिफरेंट नंबर आते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवीज द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइज इज 4, जिसपे 4 दे रखा है ये अपने को गिवन है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड आउट करनी है। 51 फाइंड द एरिया इंक्लोज बाय द लाइन एक्स प्लस 2y बराबर 8 एक्स बराबर 2 एक्स बराबर 4 एंड एक्स एक्स, इस टाइप से ये आपके पास है 101 क्वेश्चन हो गए 101। इन क्वेश्चंस को आप करें, पहली बात तो ये आपके बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ईच क्वेश्चंस को आप सोल्व करें, अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से सोल्व करते हैं तो बोर्ड के पेपर में आप डेफिनेट है 90 से अबव नंबर आपके पास आएंगे, और अगर अपन बेस्ट कोई कमी नहीं रखना चाहते तो बुक के अंदर जो भी एग्जाम्पल है वो कर लें और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए ताकि आपके बोर्ड में 100% मार्क्स तभी आएंगे जब आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। अब अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास इसीलिए आप इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।